महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शहर सतारा, यहाँ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यहाँ रहा था आना जाना। यहाँ के सांसद हैं उदयन महाराज भोसले, फिर भी यह है सतारा शहर के रास्तों का हाल, जनता है परेशान। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगे हैं लड़की बहन योजना में। सतारा के शाहू नगर में सड़क पर बह रहा गंदा पानी, नगर परिषद के दुर्व्यवहार का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। रहवासी पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन अब तक क्यों नहीं जाग रहा है। नागरिकों का कहना है कि महामारी बीमारी फैल रही है, आम नागरिकों को परेशानी हुई, आने जाने वाले नागरिकों को परेशानी हो रही है। सतारा के शाहू नगर इलाके में पिछले 4-5 महीने से नगर परिषद द्वारा पूरी गटर का पानी सड़क पर छोड़े जाने से इलाके के नागरिक भारी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ के साई नगर, आपको बता दें, अपार्टमेंट के सामने सड़क पर इस गटर के गंदे पानी से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और इसके सामने कॉलोनी का गटर का गंदा पानी लगातार जमा हो जाता है। इससे इलाके में महामारी जैसी बीमारियां फैल गई हैं और इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि सतारा नगर परिषद तत्काल नालों की सफाई कर उन्हें उचित स्थान पर व्यवस्थित करे। सतारा से जुबैर शेख और मुन्ना मुजावर की रिपोर्ट। सावनगर विठ्ठल विहार अपार्टमेंट पासून पेशी उनेरी कॉलनीपर्यंत हा रस्ता अतिशय डेंजर आहे, इथं मच्छरांना त्रास होतोय, त्यामुळं काय होतंय मुलांना आमच्या डेंग्यू झाला आहे आणि डेंग्यूमुळं आय सी यूमध्ये पेशंट माझा स्वतःची मुलगी आय सी यूमध्ये 10 दिवस ॲडमिट होती आणि त्यामुळं काय होतंय व्हायरल फीवर इन्फेक्शन हे कंटिन्यू चालू आहेत। काय नगरपालिकेचं तक्रार वगैरे काय? नगरपालिकेमध्ये मला तर असं वाटतं की कचऱ्याची फक्त गाडी येते, ह्याच्या व्यतिरिक्त वेगळं काहीच लाईट नाही, लाईट आणि ते फवारणी पण नाही। आता नगरपालिकेला अर्ज पण दिला होता हॉस्पिटलकडून जातो की अशा अशा एरियामध्ये असे पेशंट सापडलाय डेंग्यूचा, मग त्यांनी येऊन फवारणी तरी केली पाहिजे ना, ते पण केलेलं नाही, तेही केलेलं नाही आहे। मुळात हे नाल्याचं पाणी आहे ते त्यांनी त्याचा म्हणजे बंदोबस्त केला पाहिजे की एका ठिकाणी व्यवस्थित सोडलं पाहिजे, हे सगळीकडे वाहत आहे त्यामुळं पाणी साचून राहते, रस्त्यावर खड्डे पडत आहेत त्यामुळं होणारे अपघात पण वाढते, तर दुसरी गोष्ट दुर्गंधी येते कारण हे ड्रेनेजचं पाणी असल्यामुळं सगळीकडे पाणी पसरलं जातं आणि बाकीचे आजार होऊ शकतात त्यामुळं।